नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। आप अभी देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़ बिहार। अगर आप बिहार सिवान बड़हरिया विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं तो जरूर देखिए ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो नेता बड़ी बड़ी वादा करके जनता को गुमराह करके सादा पर काबिज होते हैं, क्या वह विकास कराते हैं कि नहीं। तीन बार के विधायक रहे जदयू के चर्चित श्याम बहादुर सिंह को हराकर राजद के टिकट पर बच्चा जी पांडे विधायक बने बड़हरिया से, और विधायक बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में आखिर बड़हरिया वासियों के लिए क्या वादा किए थे कि यहाँ के जनता लड्डू होकर अपने कीमती मत देकर इनको विजयी बनाई। आज हम उनके घोषणा पत्र पर बारीकी से नजर डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें जरूरत क्या पड़ गई घोषणा पत्र निकालकर विधायक जी का वादा दिलाने का, तो बता दें 10 नवंबर को पूरे एक साल हो गया है बच्चा जी पांडे को विधायक बने हुए। फिर इनका घोषणा पत्र तो याद दिलवाना जनता के हित में सही लगा, इसलिए हम इनका घोषणा पत्र निकाल कर जनता के सामने पेश कर रहा हूँ। जानिए इनका पहला वादा क्या था। हर पंचायत में एक पुस्तकालय का स्थापना करूंगा। बड़हरिया वासियों, आप बताएं क्या बड़हरिया के हर एक पंचायत में पुस्तकालय का स्थापना हुई है पिछले एक सालों में? हमने अपने टीम के साथ खोज की तो ऐसा कुछ नहीं मिला। आइए दूसरा वादा पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। युवा वर्ग के रोजगार के लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक उद्योग फैक्ट्री बनाऊंगा। आप लोग बताएं पिछले एक साल हो गया विधायक जी को पद संभाले हुए, क्या कोई फैक्ट्री बनाने की अलग बात है? उसका बुनियाद रखा गया बड़हरिया विधानसभा में, हमें तो कोई ऐसा उद्योग फैक्ट्री नहीं दिखा बड़हरिया में। आइए तीसरा वादा पर ध्यान देते हैं विधायक बच्चा जी पांडे का। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण करूँगा। आप लोग बताएं बड़हरिया विधानसभा के अंतर्गत एक स्टेडियम का नींव रखे थे 2008 में हाई स्कूल के पास जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह। वह उनके बड़हरिया के 10 साल के विधायक रहने के बाद भी पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ, लेकिन वहीं विधायक बच्चा जी पांडे ने एक स्टेडियम बनवाने हेतु घोषणा पत्र में जिक्र करते हैं, अभी तक कोई बुनियाद भी नहीं रखा गया है नया स्टेडियम का। हम मांग करते हैं विधायक बच्चा जी पांडे से कि जो अधूरा काम है उसी को पूरा करवा दीजिए, ताकि युवा को खेलने के लिए सुविधा हो जाए। बच्चा जी पांडे के घोषणा के मुताबिक बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई नए ग्राउंड का बेस अभी तक नहीं रखा गया है। आइए इनके चौथे घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हर गली, हर चौक चौराहे, हर गांव नली का निर्माण करूंगा। एक साल हो गया, अब आप खुद देखिए और तय कीजिए कि कितना गली चौक चौराहे और गांव का नली का निर्माण कराए हैं विधायक बच्चा जी पांडे। आइए पांचवा वादा पर नजर डालते हैं। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरा लगाने का काम करूंगा, ताकि चोर, डकैती, छिनतई, हत्या, हर तरह से अपराध पर हमारी जनता का काबू पा सके। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बड़हरिया थाने के पास की वीडियो है, दूर की चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है, थाने के पास के वाला ही चौराहे पर नजर डालिए आखिर कितने विधायक जी CCTV कैमरे लगवाए हैं। आइए इनके छठे वादे पर नजर डालते हैं। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का कार्य करूंगा, ताकि हमारे बच्चे बच्चिया का अलग स्टेट में पढ़ाई करने नहीं जाना पड़े। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बनाने की वादा तो कर दिए हैं, आखिर बनेगा कब विधायक जी बताएं? तारीख और समय तय कौन करेगा? हम तो हर साल आपको याद दिलाएंगे। हमारे जानकारी के मुताबिक अभी भी कोई कॉलेज इत्यादि पर कोई चर्चा भी नहीं हुआ है। आइए सातवां वादा पर डालते हैं नज़र विधायक बच्चा जी पांडे का। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में दो पंचायत के अंतर्गत एक विवाह भवन बनाने का कार्य करूंगा, सभी फ्री ऑफ कास्ट, ताकि हमारे गरीब मजदूर भाई बहनों का अच्छी सुविधा मिल सके। विधायक जी तो घोषणा सही किए हैं, लेकिन एक साल हो गया, आखिर इस पर अमल क्यों नहीं हुई है? विधायक जी सोशल साइट पर काफ़ी एक्टिव हैं। हम चाहते हैं बड़हरिया वासियों के लिए आए और बताएं जिस वादों से सत्ता पर काबिज हुए हैं ये पूरा कब करेंगे। आइए इनका आठवां यानी आखिरी वादों पर नज़र डालते हैं। मैं किसान भाइयों के सुविधा के लिए, जिससे वो अपना अनाज बीज रख सके, इसको सुविधा के लिए कोल्ड स्टोर बनवाने का काम करूंगा न्यूनतम दर में, ताकि किसान भाइयों लोग का अनाज सुरक्षित रह सके। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, वादा तो आप दो कोल्ड स्टोर को कर दिए हैं, आपके इस कार्यकाल में पॉसिबल तो नहीं लग रहा है।
आगे क्या होगा इसका उम्मीद भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपसे यही कहा जाएगा कि जो पुराना एक कोल्ड स्टोर है उसी को मरम्मत करा कर किसानों के हक के लिए शुरू करवा दीजिए। ऐसे तो एक साल हो गया आपके विधायक बने हुए, लेकिन आपने 8 वादे में से एक भी कोई कार्य नहीं कराए हैं। आखिर जो जनता आपके वादे के मुताबिक बहड़िया विधानसभा के विधायक बनाई, इस वादे पर खड़ा कब उतरेंगे? हमारी टीम आपके वादे को हर साल जनता के हित में विधायक जी को याद दिलाते रहेगी। ऐसे तो एक साल हो गया आपके विधायक बने हुए, लेकिन आपके 8 वादे में से एक भी कोई कार्य नहीं कराए हैं। आखिर जो जनता आपके वादे के मुताबिक बड़हड़िया विधानसभा के विधायक बनाई है, इस वादे पर खड़ा कब उतरेंगे? हमारी टीम आपको हर साल याद दिलाती रहेगी। अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए। वहीं Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को काफ़ी संख्या में शेयर कीजिए।